भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। साथियों, आने वाले 5 साल भारत के विकास के लिए अभूतपूर्व उपलब्धियों के होंगे। आने वाले 5 साल में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनने जा रहा है। आने वाले 5 साल में अनेक क्षेत्रों में आत्मनिर्भर भारत बनते देखेंगे। आने वाले 5 साल में शानदार हाईवे, शानदार एक्सप्रेसवे और रेलवे का पूरी तरह कायाकल्प होते देखेंगे। इसका सीधा लाभ ओडिशा जैसा ऐसे हमारे देश के पूर्वी हिस्से को होगा। भाइयों और बहनों, मुझे खुशी है कि ओडिशा ने भी बीजेडी के 25 साल के राज को फुल स्टॉप लगाना तय कर लिया है और मैं यहां आपका आशीर्वाद लेने आया हूं, साथ साथ मैं आपको निमंत्रण देने भी आया हूं। 10 जून को भाजपा का ओडिशा का मुख्यमंत्री शपथ लेने वाला है। आज पूरा ओडिशा कह रहा है, आज पूरा ओडिशा कह रहा है, ओडिशा मुख्यमंत्री ओडिया है बे, ओडिशा मुख्यमंत्री ओडिया है बे, ओडिशा मुख्यमंत्री, ओडिशा मुख्यमंत्री, ओडिशा कह रहा है, द्विथर पदम, दुई थर पदम, दुई गुण विकास। ओडिशा के कोने कोने में एक ही बात सुनाई दे रही है, ओडिशा लोको चाहती, ओडिशा लोको चाहती मोदी गारंटी। भाइयों और बहनों, मयूरभंज की ये धरती नारी सशक्तिकरण की धरती है। अभी तक मयूरभंज का जय जयकार इसलिए होता था क्योंकि यहां मां सुभद्रा के रथ को केवल महिलाएं खींचती है, लेकिन अब मयूरभंज की बेटी 140 करोड़ के देश का नेतृत्व कर रही है, भारत का नेतृत्व कर रही है।
हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी देश की तीनों सेनाओं को कमांड करती है और वो मयूरभंज की बेटी है। ये मयूरभंज के लिए, उड़ीसा के लिए, पूरे देश की नारी शक्ति के लिए गौरव का विषय है। जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।